मंदिर के सिंह द्वार में पहला कदम प्रवेश करने पर ही मंदिर के अंदर से आप सागर द्वारा निर्मित किसी भी ध्वनि को सुन नहीं सकते। आप मंदिर के बाहर जैसे ही कदम पार करेंगे तब आप इसे सुन सकते हैं। इसे शाम को स्पष्ट रूप से सुना जा सकता है। मंदिर की रसोई दुनिया की सबसे बड़ी रसोई घर है। दोस्तों, पुरी का जगन्नाथ मंदिर एक हिंदू मंदिर है जो भगवान जगन्नाथ यानी श्री कृष्ण श्री द्वारकाधीश को समर्पित है। यह भक्तों की आस्था के केंद्र के रूप में विश्व भर में प्रसिद्ध है। यह भारत के साथ ही साथ विदेशी श्रद्धालुओं के आकर्षण का भी केंद्र है। जगन्नाथ मंदिर का आर्किटेक्ट भव्य और खूबसूरत है कि दूर दूर से वास्तु विशेषज्ञ इस पर रिसर्च करने के लिए यहाँ आते हैं। कुछ खास जगन्नाथ पुरी के आश्चर्यजनक तथ्य जो इस प्रकार है। पुरी के जगन्नाथ मंदिर की ऊंचाई 214 फुट है। पुरी में किसी भी स्थान से आप मंदिर के शीर्ष पर लगे सुदर्शन चक्र को देखेंगे तो वह आपको सामने ही लगा दिखेगा। मंदिर के ऊपर जो स्थापित ध्वजा है वो सदैव हवा के विपरीत दिशा में लहराती। सामान्य दिनों में हवा समुद्र से जमीन की तरफ आती है और शाम के दौरान इसके विपरीत, लेकिन पुरी में इसका उल्टा होता है। मुख्य गुंबद की छाया दिन के किसी भी समय अदृश्य रहती है। मंदिर के अंदर पकाने के लिए भोजन की मात्रा पूरे वर्ष रहती है। प्रसाद की एक भी मात्रा कभी भी व्यर्थ नहीं जाती। लाखों लोगों को तक खिला सकते हैं। मंदिर की रसोई में प्रसाद पकाने के लिए 7 बर्तन एक के एक दूसरे पर रखे जाते हैं और सब कुछ लकड़ी पर ही पकाया जाता है। इस प्रक्रिया में शीर्ष पर जो टॉप पर होता है उसमें सामग्री पहले पकती है और फिर क्रमशः नीचे की तरफ एक के बाद एक पकती जाती है। मंदिर के सिंह द्वार में पहला कदम प्रवेश करने पर ही मंदिर के अंदर से आप सागर द्वारा निर्मित किसी भी ध्वनि को सुन नहीं सकते। आप मंदिर के बाहर जैसे एक कदम पार करेंगे तब आप इसे सुन सकते हैं। इसे शाम को स्पष्ट रूप से सुना जा सकता है। मंदिर की रसोई दुनिया की सबसे बड़ी रसोई घर है। इस रसोई घर में भगवान जगन्नाथ को चढ़ाए जाने वाले महाप्रसाद के निर्माण हेतु सैकड़ों अर्थात 500 रसोई और 300 सहायक और सहयोगी, लगभग इतने ही रसोई और सहयोगी एक साथ काम करते हैं। सारा खाना मिट्टी के बर्तनों में पकाया जाता है। हमारे पूर्वज कितने बड़े इंजीनियर रहे होंगे यह इस एक मंदिर के उदाहरण से समझा जा सकता है। प्रतिदिन सायंकाल मंदिर के ऊपर स्थापित ध्वजा को मानव द्वारा उल्टा चढ़कर बदला जाता है। मंदिर का क्षेत्रफल जो है 4 लाख वर्ग फुट में है। पक्षी या विमानों को मंदिर के ऊपर आप उड़ता हुआ नहीं पाएंगे।